हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहलाग जय दियो। तो स्वागत है मेरे चैनल भावना चिफाल में। और आज हम जा रहे हैं बकरियों के साथ। बकरियां आगे चली गई हैं और हम अभी पीछे रह गए। अभी हम आगे जाएंगे। गाइस हम पीछे रह गए, हमारी बकरियां आगे चली गई हैं। फोटो मेल फोटो होना है तो मैं फोटो क्लो नहीं रही हूँ। इलावे आ लियो तुमने ये कह दियो जो अच्छा हमारी बकरियाँ कथब चली गई हैं। हाँ जाना है आ जब तो हम कैमरा बंद करते हैं, बकरियों के साथ जाते हैं। मैं तू रह गया आगे चल। चलो भाई बाकुरी का डाना आगे आता है तेरे को गाना बाकुरी का गाना वहाँ पे जुग भी लग सकते हैं हमें। गाइस बकरियों के लिए तो रास्ता भयंकर ही है। ठीक है रास्ता तो ये पानी हमेशा रहता है यहाँ पे एवर ग्रीन वाटर। ये देखो ओ देखो लड़ाई हो रही है। बकरियाँ लड़ते लड़ते जा रही हैं। हरपीड़ हो गई आधे। अभी तो यही पहुंचा, अभी तो आगे जाना है। पार जाना है हमें अभी ऊपर आते टाइम लगेगी। अभी तो हजूर हजूर में अभी बकरियां चरते चरते जा रही हैं धीरे धीरे स्लो मोशन में। तो हम भी बैठ गए है ना। गाइजा आज खिचड़ी नहीं हो रहा है। आज हमारा खिचड़ी जैसा नहीं हो पा रहा पता नहीं। गाइजा मैं एक बात बताऊँ तुमको। एक दिन ना ऐसा हुआ ना मैं बताती हूँ। गाइस मैं इसकी बचपन की बात बताती हूँ आपको ठीक है। जब ये कितने साल की थी तुम जब ऊपर से गिरी थी? छोटी थी, दो एक दो साल की। दो साल की थी ये तो ऊपर भकार में सुलाया था इसको। तो ये भकार से वो नीचे सीढ़ियाँ नहीं है हमारी गुफा के अंदर जाती है नहीं था। ऐसा हुआ था ना मैं बताती हूँ क्या बोलते हैं देवदी थी मतलब मेरी बुआ थी मतलब दो बुआ थी एक मालगो वाली बुआ थी एक हमारी बुआई थी। हाँ फिर ना एक बुआ वहाँ मतलब बुआ ने बोला इसको देख देना करके वहाँ ऊपर बखार में बैठाया ठहरा। हाँ फिर वो बुआ बर्तन धोने चले गई हाँ हमारी वाली और वो डीजे में गाना लगाने के लिए गई। तब तक मैं बतरम ताल नीचे गिरी बुआ आए ए मेरा नदी गिरा दे रे सीढ़ियों से नीचे गिर गई ऊपर बुखार से सीढ़ियों से होते हुए नीचे। फिर मैं चुपी नहीं हुई भर चुपी नहीं हुई चुपी नहीं हुई। तो उसके बाद बुबू ने कहा डांटा ना इसके ना दिमाग में लगी थी तब से ये थोड़ी ऐसी है। तो आप लोग सोचते होंगे कि हाँ ये थोड़ी ऐसी क्यों है। तो तब मैं इसलिए ये स्टोरी बता रही थी आपको कि ये बचपन में ऊपर से गिर गई थी और इसको सर में चोट लग गई थी। गाइस ये कहना चाहती हूँ मेरा सर का एक नस दबा है इसलिए। देखो हमें सेब मिल गया हमने ढूंढा था तो सेब। तो ये लोग भी पहुँच गए अब पूरा बैग भर के लिए आए ये लोग। ये देखो बैग एक बैग ये एक ये बैग ये बांसुरी भी ले गया है इम्पोर्टेड बिल्कुल होममेड। ये तो बना रखी है पाइप की बनाई है पता नहीं यार। तो गाइस हमारी बकरियां भी चर रही हैं। तो भाई लोगों ने बोला कि हमारे लिए मैगी बना दो। उन्होंने चूल्हा वूल्हा तैयार कर रखा है यहाँ पे और अब हम उनके लिए मैगी बनाते हैं। वो लोग नहाने गए हैं इतनी ठंड में नहा रहे हैं ठंडा पानी तो पैर ही सुन्न हो गए वहाँ से आधे टाइम तो हमारे पैर सुन्न हो गए। वो लोग नहा रहे हैं कपड़े वपड़े लेके आए थे वो अपना मैगी वैगी लेके आए थे तो उन्होंने हमें देखा और अब हमें उनके लिए मैगी बनानी है। तो बकरी अपना चर रही है अभी थोड़ी देर में जाएंगे बकरियों के पास तब तक मैगी बनाते हैं उनके लिए। तो दगड़ियों अभी भानु काट रही है टमाटर प्याज काट दिए हैं एक और बचा रहे वो रखा है। अरे एक और प्याज बच गया गाइस एक प्याज बच गया मैंने अभी काटे टमाटर फिर हम बनाएंगे मैगी फिर पता नहीं कैसे बनेगी फिर चाचा लोग आएंगे ऊपर खाने के लिए। चाचा ही तो है मैंने तेरे तो भैया गाइस इसके चाचा हुए वो तो गाइस मैं इसके बुआ हूँ
आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो मैं इसकी बुआ हूँ। भानु बुआ मेरे को दीदी बोलती है। हाँ दीदी भी नहीं बोलती, मैं भानु बोलती हूँ। संतूर दीदी हूँ, संतूर का कमाल है। फिर ना वो लोग आएंगे, फिर हम मैगी खाएंगे, फिर हम आती जाएंगे। फिर इसकी मत ही सुनो गाइस, ऐसे आपको बताती रहेंगे। अब ना फिर हम आग जलाएंगे, फिर हम प्याज टमाटर डालेंगे, देखो बल गई आग। लकड़ियां भी रख दी, हमारी आग भी बल गई। अब हम टाइम स्लैब पे लगाएंगे। हाँ फिर हम काम करेंगे। कल ना मैं बताऊं कल ना ये मैगी बना रही थी, वो कढ़ाई पत्ती ना इसने बताया गैस में रखी हो, ज्यादा गर्म होगी। फिर पता नहीं दीदी की उसमें नंबर सेव करने लगी है। वो दीदी आई एक, बोली कि नंबर सेव कर दे अपने मम्मी के पापा का और अपना, तो मैं उनका नंबर सेव करने में रह गई और मैगी चिपक गई नीचे से। वो जो इतनी जलायन मैगी हुई ठहरी हो। चांदनी को बोला मैंने, चांदनी ज्यादा जलायन वरना नहीं ठीक हो रही है भानु, खा लूंगी। लेकिन यार सच में बहुत जलायन हो रही थी वो। ये देखो ये मैगी बना रही है, बकरी यहाँ अटैक कर रहे हैं, ये उसकी दिगड़िया उसके बकरी खा रही है। सारे आ गए यहाँ मैगी खाने के लिए। ये उसको पहरा डाल रखा है इसने। तो गाइस पापा भी उन लोगों के साथ आए थे, पर पापा नहा नहीं रहे हैं, पापा बांसुरी बजा रहे हैं। पहले के लोग ग्वाला आते थे तो बांसुरी बजाते थे अपना टाइम पास करने के लिए, आजकल फ़ोन हुआ लोगों के पास, पर पहले टाइम पास ऐसे ही होता था ग्वाला वालों का। ये देखिए अभी लोग मैगी खाने आ रहे हैं धीरे धीरे करके। ये तो हमारी है, ये भी आ रही थी। तो आपको अभी मैं घट दिखाती हूँ। पहले के टाइम में चक्कियाँ नहीं होती थी, तो पानी के बहाव के उससे पुराने लोगों ने जो है घट बनाया था। तो अब तो इसका यूज़ होता ही है थोड़ा बहुत, पर अब चक्कियाँ आ गई हैं तो सब लोग चक्की में ही पीसते हैं। तो मैं आपको घट दिखाती हूँ। ये रहा हमारा पहले का घट। हम यहाँ पहले गाँव से आटा पीसने ये सब पीसने के लिए आते थे। घट के अंदर ये पानी के प्रेशर से चलता है, इसमें डालते हैं फिर इसलिए घूमता है। घट में नहीं आई तू? अच्छा मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ, बचपन में आया करते थे हम, मेरे को याद है। यहाँ पे गेहूँ लेके आते थे, फिर यहाँ से आटा वाटा पीस के ले जाते थे हम लोग। तो ये घट है और नीचे नदी है। चल अब चलते हैं उनके पास। तो ये रास्ता यहाँ पे पत्थर चिफल हो रहे हैं, मतलब चिफल मतलब फिसलन हो रही है यहाँ पे, ढंग से चलियो। और उसकी वजह से ना यहाँ पे धूप थोड़ा ऊपर में ना, हम ऊपर से जा रहे हैं। हाँ, यहाँ से रास्ता है, चढ़ फिर मैं चढ़ती हूँ। ऊपर चढ़ना है, फिसलन हो रही है। मैं कैमरा पकड़ के ही चल लेती हूँ इसे। मेरे को आदत हो चुकी है कैमरे के साथ चलने की। ये अभी नहा रहे हैं देखो। ओह गॉड गहरा तो छोड़ यार, जितना ठंडा हो रहा है पानी यहाँ। हम लोगों ने तीन तीन चार चार स्वेटर पहन रखी हैं। ये देखो ये पुल टूट गया था, नया बना है पुल। हम भी नहाते थे, हम ऊपर नहाते थे, ऊपर साइड में है ना एक, वहाँ पर नहाते थे हम लोग। हम बच्चे ना, हम यहाँ नहीं नहाते। इन लोगों को ठंड भी लग रही है फिर भी नहा रहे हैं। नीरज कैसा हो रहा है? ठंडा।
मुझे नहीं आता तैरना। मैं इसके इतने तैर सकती हूँ बस। मैं बाल ढूंढ से पाल ढूंढ। कैसा आ रहा है? ठंडा ठंडा सब लोग ना, ये सब सामान लेके आए थे अपना, तौलिया वोलिया सब। अब हम जा रहे हैं ऊपर, इनको लग गई भूख, अभी खाएंगे मैगी। बकरी आ गई। चलो अपने घर यार, इनको बहुत बढ़िया। 10 नंबर 10 नंबर 100 में से 10 नंबर बुला, उनको भी बुला दे। उंगली नहीं खानी है भाई, नमक खाना है। खत्म हो गया नमक। ले नमक खत्म, गाइस नमक खत्म हो गया, सॉरी। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। वही तो भारी हो रहा है। तो ये अभी रास्ते में लेते हैं, तो पंकज जिनका सामान ऊपर तक पहुंचाएगा अभी। वहाँ पर इतना भारी सामान है दूसरे गांव से। ओ गॉड, तुमने उठा ले थे तू? तो बकरी आप चर के आ गई है हमारे साथ ही, घर जाएंगे अब। आ जाओ, कम ऑन, लेट्स गो। सबको भगा जाने पे। आज बहुत थकान भरा दिन था, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मेरे तो मुँह काला हो गया, पता नहीं क्या हो गया, ये धुआं ये इसका नाम मगनू है, मगनू लाटा। गाइस मैं सिखाने वाला हूं। गाइस भानु रोटी बना रही है, चाची रोटी पास रही है, भानु रोटी पलटा रही है। अम्मा बैठी है, यहाँ अम्मा बैठी है, यहाँ पे पीछे मम्मी का जिबर पका है। और मैं यहाँ से ऐसे रोटी पलटा रही हूँ, भानु वहाँ पका रही है। मजे आ रहे हैं, रोटी खाएंगे, दाल नीचे दाल भात पोलियो रोटी सब्जी। एक में लिया मैं आँच। चलो गाइस ठीक है फिर।